हाँ भैया, तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। हाँ, कैसा चल रहा है? भाई ये तो मरमिट निकला, 30 सेकंड से अंडरवाटर तैर रहा है। वे गाइस, तो आज है मंडे, आज मोस्ट रनर 5 के नया इवेंट आने वाले का दिन है भाई। मोस्ट रनर 5 पोकेमॉन एवोल्यूशन सेम ही है और ये नया इवेंट भी है, उसके साथ साथ नया लकी एंड ट्रिबल भी है। लकी पे मैंने देखा नहीं था, पोकेमॉन आया है ये क्या? ओ अच्छा, नहीं पोकेमॉन नहीं आया यहाँ पे, अननोन 0246 OP भाई, क्या रून? अच्छा वो नंबर का मतलब कौन से पोजिशन पे आपको चाहिए? नंबर 2, 4 और 6 ऐसा है। अच्छा, क्या ही समझ रहा था मैं, वो नंबर का 1, 2, 3, 5। अच्छा तो ऐसा है, पर्पल रून, गोल्ड रून, अच्छा ऐसा कुछ है। तो ये डायमंड से स्पिन है, तो डायमंड अपना बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, और इससे अच्छे भी और बहुत सारे स्पिन आएंगे फ्यूचर में, ठीक है? तो सुप्रीम टोकन हमारे की तरह वही, कोई भी पोकेमॉन नहीं है। चलो इसको इग्नोर करते हैं और क्या चेपॉन में देख लेते हैं कौन सा पोकेमॉन इस बार आए। और लूनाला बहुत बढ़िया, और स्पेशल में हमें मिल रहा है सेलेबी और ये पोकेमॉन भाई, इसका नाम क्या है? अबो स्नो। अच्छा तो ये दोनों पोकेमॉन आए, तीनों पोकेमॉन आए हैं, बहुत बढ़िया। और कहीं पे कुछ है क्या? और हाँ, ये आए पोकेमॉन ट्रेजर। तो ये सारे की इवेंट तो टॉप के ऊपर है, बेस्ट है अगर टॉप करके तो ये आपका फायदा है, नहीं तो बेकार। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल एक्सप्लेन किया हुआ है कि इवेंट के बारे में, आपको अगर फुल डिटेल्स में जानना है तो आप मेरे वीडियो पर चेकआउट कर सकते हो, मतलब चैनल के अंदर, तो आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर अलग से वीडियो है, ठीक है? तो ये हम जब इवेंट पहली बार आता था मैंने बनाया था। और चलो बोनस इवेंट पे देख लेते हैं इस बार क्या टास्क। इस बार भाई बहुत दिनों बाद आया ये वाला टास्क, और कोई चैलेंज करती है तो रॉकी सरल भाई, रॉकी आ चुका है KGF का, तो कैंसिल। और यहाँ पे आ चुका है मेरा फेवरेट टैक भाई, सब सभी जानते हैं, बस 5 दिन तो लगातार 50 इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर आप वाटर टाइप पोकेमॉन पकड़ो और आपको ये मिलता ही रहेगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक मिल जाएगा, ठीक है? तो 5 दिनों तक। नेक्स्ट पॉपुलर इवेंट यहाँ पे शायद कुछ भी नहीं है, और वाउचर एक्शन मतलब अगर आप प्रॉम करते तो भी आपका फायदा, नहीं तो आप अगर नहीं करते तो नहीं है कुछ भी फायदा का। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्री का इवेंट, पोजीशन सी और अल्टरनेट तो भाई कमाल का पकवान है, अगर आपको फायर टाइप पकवान चाहिए तो इसको भी ज़रूर लेना। फिर यहाँ पे आ चुका है क्रीम सोन चार, ये भी बहुत ही अच्छा खासा पकवान, इसको भी यूज़ कर सकते हो। और शैडो ग्रिंचा भाई आ चुका है, शैडो ग्रिंचा बहुत ही पावरफुल पकवान है, अगर आपको ग्रिंचा पसंद है तो फिर इसको ही यूज़ करना, लेकिन न्याय मंदिर के इसको ही ले लो। हमारा गेम का नॉर्मल ग्रेंजा है ना बहुत ही बकवास है, तो उसको फुल इग्नोर करना, सेरो ग्रेंजा कमाल का है। फिर अच्छा है गिराटीना, बहुत ही मस्त पकवान है, फिर ये जरूर यूज़ करना। नल ओपी पकवान है भाई, 20 पकवान इसको चाहते यूज़ कर सकते हो। और स्टाइलाइट कार्ड भाई यही तो है इग्नोर करने वाला पकवान, इसको इग्नोर करना। फिर आते हैं स्टेशन AMS स्टील म्यूटू, बहुत ही अच्छा पकवान है, चाहते यूज़ कर सकते हो। और डास्क में भी अच्छा खासा पकवान है, लेकिन इससे अच्छे भी बॉडी वाइज पकवान है, अगर आप को यूज़ करोगे तो बुरा नहीं होगा, अगर आप यूज़ करते हो तो बेकार नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेन करना पड़ता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा इग्नोर करो। इससे अच्छे पोकेमॉन है जैसे कि अल्टरनेट फायर टाइप है, और टीम से डीऑक्सिस भाई इसको भी इग्नोर करना, बस इन दोनों पोकेमॉन को इग्नोर करना, स्टार गार्ड और टीम से डीऑक्सिस, ठीक है? बाकी सबके सारे पोकेमॉन कमाल धमाल के, और लिमिटेड यहाँ पे अगर आपको 300 डायमंड टॉप अप करोगे तो ही आपको ये डिवर मिलेगा, ठीक है? 300 डायमंड टॉप करने के बाद अगर आपको आप लोग 200 डायमंड कंजम्पशन करते हो तो फिर आपको ये मिल जाएगा, बस ऐसे ही आप लोग कंजम्पशन करोगे 100 डायमंड तो आप लोग ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं फेस्टिवल एक्सचेंज, तो 5 अरे भाई तो 7 से 35 हम उस सेक्शन वाउचर कलेक्ट कर सकते हैं। और विक्ट्रीनी भाई बहुत दिनों बाद आया, विक्ट्रीनी और डियानसाई का यहाँ पे फ्लू सेट बहुत बढ़िया, इसको भी चाहिए यहाँ पे ले सकते हो। और कुछ नहीं यहाँ पे, चलो फेस्टिवल ड्रॉपिंग पे देख लेते हैं। अच्छा फिर क्या भाई बोल रहा हूँ, भूल गया खेल के बारे में, बोनस इवेंट तो यहाँ पे देख लेते हैं। चलो नीचे कुछ नहीं, अरे पोकेमॉन आ रहा था, अच्छा वो सेक्शन है यहाँ पे, कौन यहाँ पे आ चुका है, तो सेंटाक्विल और भी बहुत सारे नए पोकेमॉन तो आए, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं उसको यहाँ से खरीद लूँगा, सिर्फ मतलब 3 वीप से, तो बस ऐसे कलेक्शन के लिए रख ही लूँगा, पावर भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और लकी रिवॉर्ड तो आपको टॉपअप करने के बाद मिल ही सकते हैं, नहीं मिल सकते भाई, लक बहुत ही अच्छा होना चाहिए इसको। इस एक्सचेंज पे देख लेते भाई मैंने, और मैंने आप सबको कह ही दिया था कि अपडेट के बाद तो ये पोकेमॉन आने ही वाले, तो पहले ही पोकेमॉन आ चुका है पूरे दी वेनोसॉर भाई, आपको आपको डिफेंस टाइप पोकेमॉन चाहिए ना, स्पेशल डिफेंस टाइप पोकेमॉन, तो भाई इसको यूज़ कर सकते हो, पोकेमॉन बुरा नहीं होगा, ठीक है? पोकेमॉन अटैकिंग भी कमाल का है और डिफेंस भी कमाल का है, अटैक और डिफेंस सेम ही है, अब लग के रिव्यू में जैसे मैंने कहा था देख सकते हो स्पेशल अटैक ऑन है, स्पेशल डिफेंस भी ऑन है, लेकिन इसका स्पीड भाई बहुत ही कम है, स्पीड लिटरली बहुत ही ज़्यादा कम है, सिर्फ 80 कम से कम 90 तक होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, और आपको चाहते हो इसको यूज़ करना भाई ज़रूर लेना, अच्छा ही होगा, अगर ले रहे हो तो बहुत ही अच्छा ही होगा। नॉर्मल विनर्स होता तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे चलो मिथिकल मेगा स्टोन, तो हमें तो ये चाहिए, तो देखते कितने, बस इतने ही 10 जो ले लेते 150, बहुत बढ़िया हो चुके हमारे पास बहुत सारे, और मेरे पास उस अभी कितने 0 उस से, बहुत ही बढ़िया। और पोकेमॉन के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं, चलो पोकेमॉन के एबिलिटी के बारे में देख लेते हैं क्या है।
तो गाइस ये वाला एबिलिटी अनलॉक होने के बाद हमारे फील्ड के अंदर 5 राउंड के लिए ग्रेजी ट्रेन एबिलिटी मतलब आ जाएगा, पावर पावर शायद कह सकते हो, एबिलिटी भी कह सकते हो, आ जाएगा। उसके क्या होगा देखो, ओपोनेंट अगर हमारे ऊपर कोई भी स्पेशल अटैक टाइप अटैक यूज करे तो भाई उसका पावर 40% डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और जब भी ये 5 राउंड के बाद ग्रेजी ट्रेन वाला एबिलिटी खत्म हो जाता है तब भी स्पेशल अटैक का डैमेज 20% से कम तो रहेगा, ओपोनेंट का कोई भी अटैक हमारे ऊपर यूज करे स्पेशल अटैक टाइप अटैक तो उसका पावर 20% से कम ही आ जाएगा तब होगा, ठीक है। तो एबिलिटी अच्छा खासा है स्पेशल डिफेंसिटी पोकेमॉन के लिए, ये वाला एबिलिटी तो भाई बहुत ही अच्छा कहूँगा मैं, ठीक है। और चलो यहाँ पे मूव्स वगैरह और गियर भी देख लेते हैं, यहाँ पे कहाँ चला गया भाई गियर, ये रहा देख लेते हैं। तो कैसे वो 30% इंक्रीज करेगा जो भी इसका टाइप है ग्रास और पॉइजन, जब भी हर एक गियर का तो पहला काम तो यही है। और जब भी ग्रेजी ट्रेन वो जो मैंने कहा था एक एबिलिटी या फिर 5 राउंड के लिए जो भी एक पावर जो अनलॉक हो जाएगा उससे क्या होता है हमारे ग्रास टाइप मूव का पावर 25% इंक्रीज हो जाता है। और एक और बहुत ही अच्छा काम है, हमारा जो एच पी रहेगा उसके एच पी के रिसीव से 5% के हिसाब से हमारा एच पी बढ़ता ही रहेगा, ऊपर हमारे ऊपर कोई भी अटैक कर ले हमारा एच पी तो बढ़ता रहेगा 5% के रिसीव से हिसाब से जितने भी एच पी रहेगा, ठीक है। तो ये गियर भी मुझे बहुत ही अच्छा से गियर लगा भाई, बहुत ही काम का गियर लगा। और चलो दो दो मूव्स है तो मूव्स के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस फोर्स स्ट्रॉम और एक और मूवी जो पॉइजनस स्प्रे, ये दोनों मूवी मतलब नॉर्मल मूवी मतलब कोई इसके अंदर कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है, मतलब मूव को यूज़ करने के बाद हमारे ऊपर कुछ एबिलिटी अंदर हो जाएगा, अटैक वगैरह बढ़ जाएगा या फिर ओपोनेंट का डिफेंस डिक्रीज हो जाएगा, कुछ इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मल मूव नॉर्मली मूव है, लेकिन मूव तो एक्सक्लूसिव मूव है तो भाई कमाल का है। अटैक एक्यूरेसी देखो 100 है, पावर 100 है, तो इसका भी सेम एक्यूरेसी 100, पावर 100, मूव दोनों ही कमाल के। और पोकेमॉन ले रहे हो तो ये दोनों मूव जरूर लेना। और फिर नीचे अनचेंज्ड हुपा का कर्म उच्चर आ चुका है और मतलब स्टोन आ चुका है तो इसको भी जरूर ले सकते हो, लेकिन प्राइस गाइस थोड़ा ज्यादा है, 100 होना चाहिए था, 130 थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन तब भी कमी है। और यहाँ पे ये क्या, अच्छा होप्पा को नया अटैक है तो होप्पा का अटैक के बात कर ले क्या, चलो आ चुका है कर ही लेते हैं। इसको कहते हैं भाई कमाल के मूव, देखो 30% तो एच पी हमारा रिस्टोर तो हो ही जाएगा मूव को यूज़ करने के बाद, और 50% से हमारा स्पीड जो है रिड्यूस हो जाएगा वो भी 5 राउंड से, भाई कमाल का भाई ये मूव है, मुझे तो बहुत अच्छा खासा लगा। और फिर नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, ये क्या है, रून ही होगा, और हाँ रून ऑरेंज रून आर, ऑरेंज रून आर टू, अच्छा ऐसे ही है 3 4 5 6, अरे 7 आ गया तो अच्छा 6 ही होगा, मेरे साथ गिनती में गलती करती तो कहीं चलो कोई नहीं, और स्टोन भी आ चुका है बहुत बढ़िया 20 उसी ने बचा था, आपको स्टोन भी मिलेगा। तो आर रून कैसा है मैं तो इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, हर एक रून के बारे में कौन सा रून क्या काम करता है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चले जाओ मैंने ट्रेनर टू लीडर सीरीज में, आप सबको हर एक रून के बारे में सब कुछ इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज का रिव्यू बस इतना ही हो गया शायद, और कुछ मैं भूल रहा हूँ क्या, शायद नहीं भूल रहा। तो और हाँ गाइस बहुत लोग पूछ रहे हो टॉप अप के बारे में, कुछ समझ भी नहीं आ रहा भाई टॉप के ऊपर, मैं जल्दी बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूँ कल या परसों की डाल दूंगा कि कैसे आप लोगों को टॉप अप अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। पहले टॉप अप करता था बहुत कुछ आसान वगैरह था, लेकिन अभी टॉप करने के लिए बहुत बहुत कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। और हाँ गाइस चैनल से पहले जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब बोले बटन की तरफ दिखा नहीं छुआ नहीं ऐसे मत किया करो, मेरे उसके बाद देख के छू के रेड से ग्रे कर लगा था, तब तक के लिए बाय गाइस।